केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विदेशों में बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी तो पा लेते हैं, लेकिन संस्कार नहीं मिल रहा। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमने बच्चों को भारतीय संस्कार नहीं दिए हैं। मिशन में पढ़ने वाले बच्चे कलेक्टर, आईटीआई और आईपीएस तो बन जाते हैं, पर श्रवण कुमार नहीं बन पाते। बाद में परिवार अभिभावक को शिकायत होती है कि उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्कूलों में अब गीता के श्लोकों का पाठ होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने ये बातें भागवत कथा ज्ञान वाचन की शुरुआती के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि हमने 100 घरों के सर्वेक्षण में ये पाया है कि सिर्फ 15 घरों में हनुमान चालीसा और 30 घरों में 3 घरों में गीता और रामायण की किताब मिली है, इसलिए हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म में कट्टरता का कोई स्थान नहीं। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की संस्कृति बचाओ, तभी भारत बचेगा। एक श्लोक गीता का पाठ हो। क्योंकि मिशन के स्कूल में हम बच्चों को देते हैं, मेरा बच्चा महाराज जी आईआईटी तो कर जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, एसपी बन जाता है, लेकिन महाराज जी विदेश में हमारे बेटे आईआईटी करके जाता है तो 10 में से अधिकतर बच्चे गौ मांस भक्षण कर लेते हैं। क्योंकि मैंने संस्कार नहीं दिया, मैंने संस्कृति नहीं दी, मैंने पैकेज तो दे दिया, मैं भी खुश हो गया। और जिसका कारण होता है महाराज जी, हमने श्रवण कुमार की शिक्षा नहीं दी बच्चों ने।